नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ आरओ का जो यूपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 5020906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं 7860906089 पे। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओआरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, चनूदड़ों के उत्खनन से यह प्रतीत होता है कि एक औद्योगिक केंद्र था, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ मणिकारी, मोहरे बनाने, भार माप के बटखरे, ये सब बनाने का काम होता था। ठीक है, दूसरा, बनावली में हल की आकृति वाले जो मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना, दोनों ही सही है। सत्य वाला पूछा था, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए, कोट दीजी सिंध प्रांत सही है, हड़प्पा मोंटगोमरी ये भी सही है, आपका लोथल अहमदाबाद सही है, और कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान। ठीक है, ये सब सही हैं, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान स्थित है, सही है, और धौलावीरा आधुनिक सौराष्ट्र, ये गलत हो गया क्योंकि वो भोगवा है, भोगवा। ठीक है, और आपका भिराणा जो हरियाणा में है वो फतेहाबाद में स्थित प्राचीनतम हड़प्पा कालीन सभ्यता में से एक है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो पहला और तीसरा सही है इसमें, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल रखा जाता था, सही स्टेटमेंट है, और महापाषाण कब्रों में शवों के साथ खेती के जो औजार थे वो भी दफनाए जाते थे, ये भी सही है ना। और ये महापाषाण कालीन प्रायद्वीपीय भारत में गैरिक मृदभांड प्रचलित थे, तो ये वाला गलत है, ओसीपी नहीं था ना, ओकरे कलर पेंटिंग वाले नहीं थे, यहाँ पर क्या थे, ये काले व लाल मृदभांड प्रचलित थे, यहाँ पर कौन से, काले व लाल, ठीक, ब्लैक एंड रेड वेयर, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, बुरझोम है जो वो राख का ढेर, राख के जो टीले का ढेर है वो बुरझोम से नहीं मिला, वो मिला है आपका पिकली हल से, कहाँ से, पिकली हल, ठीक है, और आपका पिकली हाल, और आपका मेहरगढ़ से कृषि के अवशेष मिले हैं, ये सही है, चिरांद से हड्डी के हथियार हैं जो ये मिले हैं, ये भी सही है ना, तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत था यहाँ पर, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था से संबंधित है, मनसबदार होते थे, आदि सैनिक भी हुआ करते थे और दाखिली सैनिक भी होते थे, तीनों ही मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था से संबंधित है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, इलाहाबाद की जो पहली संधि थी, ठीक है, वो 12 अगस्त 1764 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव के बीच में हुई थी, तो ये गलत हो गया क्योंकि 12 अगस्त 1765, ठीक है, और दूसरी देखिए, इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई वो 12 अगस्त 1765 को क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई, तो ये भी गलत है क्योंकि वो जो 12 अगस्त को तो पहली हुई थी और दूसरी हुई थी 16 अगस्त को, ठीक, 16 अगस्त 1765, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, जरीन कलम, इसका अर्थ होता है सुनहरी कलम, सही स्टेटमेंट है, और अकबर ने जरीन कलम नामक उपाधि किसको दी, अबुल फजल को, तो ये हो गया गलत क्योंकि जो जरीन कलम नामक उपाधि थी वो मोहम्मद हुसैन को दी गई थी, ठीक है, तो ये दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बुलंद दरवाजा है जो अकबर ने बनवाया था बुंदेला विजय पर, तो ये हो गया गलत क्योंकि गुजरात विजय पर बनवाया था, ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा देखते हैं, 1585 में अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर स्थानांतरित की थी, तो ये स्टेटमेंट सही है ना, तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बहादुर शाह ने 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह उनके साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, तो ये स्टेटमेंट सही है, और बहादुर शाह के शासनकाल में मंदिरों का विनाश नहीं किया गया, ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही सही है, सत्य वाला बताना है आपको, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, शतशोधक समाज है जो उसमें मूर्ति पूजा कर्मकांड इनका विरोध किया गया था,
तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। दूसरा, इसकी शुरुआत है जो वो 1873 में ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, सही है। दूसरा भी है ना। तीसरा वाला है जो, ये आंदोलन मूलतः धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये सामाजिक आंदोलन था, है ना, सामाजिक। ठीक है, तो आंसर हो गया 1 और 2, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन का है, सही है, है ना। आत्म सम्मान एसोसिएशन है जो, आंदोलन है जो, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती का नहीं है। आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो चलाया था वो ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। और टेबरनेकल ऑफ न्यू डिप्रेशन, ये केशव चंद्र सेन का है, ये भी सही है ना। तो पहला और तीसरा सही है यहाँ पर, बी आंसर। दूसरा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने हेतु इंपीरियल काउंसिल में प्रस्ताव रखा था, ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, इसमें जो 10 रुपए से कम मासिक आय वाले परिवारों के बच्चे थे उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। मैच करिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, संस्कृत कॉलेज बनारस 1792, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 और वुड्स डिस्पैच आया था आपका 1854 में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए बी सी डी, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अहमदाबाद मेल स्ट्राइक है तो उसके सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा, तो ये हो गया गलत, क्योंकि अहमदाबाद मेल स्ट्राइक के बाद नहीं, वो चंपारण के बाद कहा था, चंपारण वाला जो था, चंपारण, ठीक। और दूसरा, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन अहमदाबाद मेल स्ट्राइक को कहा जाता है, ये भी गलत, क्योंकि वो भी चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों ही गलत, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ब्लॉक माउंटेन है, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स की कैटेगरीज हैं और यहाँ पर उनके एग्जांपल्स हैं। देखिए, ब्लॉक माउंटेन का सतपुड़ा एग्जांपल है, सही है। रिफ्ट वैली है जो, वो ब्रह्मपुत्र घाटी नहीं है, जिसका होगा दामोदर घाटी, है ना। और इसके अलावा नर्मदा भी है, तापी भी है ना, ये रिफ्ट वैली में बहती है। रैम्प वैली का एग्जाम्पल है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। और हॉस्ट वैली, मतलब ये भी गलत हो गया, दूसरा तीसरा गलत। और हॉस्ट पर्वत है जो, वो जर्मनी का हर्ज पर्वत, ये सही है, है ना। तो पहला और चौथा सही है यहाँ पर, सी आंसर। अगला देखिए, जब दोनों महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, तो अपेक्षाकृत सघन वाली नीचे चली जाती है, ठीक है। और इस क्षेत्र में ज्वालामुखियों की श्रृंखला, मतलब चेन ऑफ वोल्केनोज है जो, वो क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा होता है जब ओशियनिक ओशियनिक टकराती है, ठीक है। तो ये हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, जब दोनों प्लेट्स समुद्री हैं तो बेनियोव जोन में उपविभाजन इतना प्रभावी नहीं होता कि ये ज्वालामुखियों को जन्म दे। देखिए, आपस में क्या है, दोनों इंटरचेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जो पहली धारा है ना, उसको अनुवर्ती धारा के रूप में जाना जाता है, मतलब कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो कहना चाह रहे हैं कि जब मान लीजिए कि ये कोई रीजन है, वहां पर मेन जो रिवर है वो नॉर्थ से साउथ मान लीजिए बह रही है, ठीक है। तो ये जो किसी रीजन में जो ओरिजिनेट होती है, वो मेन वाली है जो, उसको क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। और फिर कोई एक नदी या तो लेफ्ट तरफ से या तो राइट की तरफ से, दोनों तरफ से जुड़ सकती है, कहाँ पर, राइट एंगल पर, है ना, 90 डिग्री पर इससे जुड़ती है। तो इस वाली नदी को क्या कहते हैं, सबसिक्वेंट, है ना, सबसिक्वेंट, इस जो स्ट्रीम है इसको सबसिक्वेंट। अब एक चीज़ और देखिए, या तो छोटी स्ट्रीम कोई ऊपर से नीचे जुड़ेगी, ऊपर से नीचे का मतलब उसी डायरेक्शन में जिसमें मेन नदी बह रही थी, है ना, मेन नदी की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ थी, तो या तो नॉर्थ टू साउथ जुड़े या साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, दो ही तरीके हो सकते हैं, है ना, यहाँ पर ऐसे जुड़े या तो ऐसे जुड़े, ठीक है। तो जो अगर उसी डायरेक्शन वाली है, जो मेन वाली नदी है, मेन नदी की डायरेक्शन के साथ वाली जो नदी है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रीसिक्वेंट, रीसिक्वेंट। और जो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती है उसको कहते हैं ऑब्सिक्वेंट, ठीक, ऑब्सिक्वेंट। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अनुवर्ती धारा की दिशा में बहने वाली सहायक नदी को पूर्वानुवर्ती धारा कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, है ना, क्योंकि कह रहा है ये उसी धारा में बहने वाली है ना, अनुवर्ती धारा में, मतलब ये रीसिक्वेंट की बात कर रहा है और कह रहा है उसको ऑब्सिक्वेंट, है ना, तो ऑब्सिक्वेंट नहीं, उसको रीसिक्वेंट कहते हैं। दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? आपका रेडियल पैटर्न, ये आपका ड्रेनेज पैटर्न से क्वेश्चन है।
रेडियल पैटर्न का एग्जाम्पल आपका अमरकंटक वाली जो नदियां हैं, मतलब ये पठार है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो एक नदी है जो वो इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी नदी इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो ये आपकी रेडियल पैटर्न का तो सही एग्जाम्पल है। सेंट्रिपिटल पैटर्न है जो, मतलब उसमें क्या है कि सारी नदियों का फ्लो है जो वो सेंटर की ओर होगा, लद्दाख वाली जो नदी है, ये भी सही एग्जाम्पल है। आपके ट्रेलिस पैटर्न है जो वो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र हो गया आपका, है ना, तो ये भी सही है, तीनों ही एग्जाम्पल सही है। ट्रेलिस का मतलब क्या होता है? ट्रेलिस का मतलब जाली जैसा बन जाता है, तो कोई इधर से ऐसे ऐसे जाली के जैसा बन जाएगा, तो ये ट्रेलिस पैटर्न हो गया आपका। 1, 2, 3 तीनों सही है, आंसर डी। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है। सोमाली धारा ठंडी धारा है, ठीक है, ठंडे से मिला दीजिए। इरमिंजर आपकी गर्म है, अटलांटिक ठंडा है, और ब्राजीलियन है जो वो गर्म है, ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ है, मतलब वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात हो रही है, वो जून से सितंबर तक होता है, तो वो जून से सितंबर नहीं, वो तो सर्दियों में दिखता है, दिसंबर से फैब है इसका बेसिकली टाइम, दिसंबर से फैब है ना, वेस्टर्न डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है, हाँ सही है ना, सत्य वाला बताना था, आंसर हो जाएगा इसका पहला गलत दूसरा सही, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अमेरिका की स्थानीय हवा है? पम्पेरो है, जोंडा है, नेवादोस भी है, तीनों ही है डी आंसर। अगला देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पति में पाए जाने वाले वृक्षों की बात हो रही है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो जो भी खट्टे वाले फल हैं वो सब मेडिटेरेनियन में अधिकता होती है उनमें, तो देखिए आपका ऑरेंज होता है, संतरा, जैतून भी मिलता है, ओलिव्स, ठीक है, इसके अलावा अंजीर भी मिलता है, फिग्स, और महोगनी है जो ये नहीं मिलता है ना, तो 1, 2 और 3 यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो कॉनीफेरस फॉरेस्ट शंकुधारी वनों में पाया जाता है? सिल्वर फॉक्स मिलता है, मिंक मिलता है, और पोलार बियर भी वहां पर मिलता है, आंसर डी। अगला देखिए, शीतोष्ण सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, क्लास 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। साउथ ईस्ट यूएसए में मिलते हैं, साउथ पूर्व दक्षिण पूर्व ब्राजील में भी मिलते हैं, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका नहीं मिलेंगे, और कैलिफोर्निया में भी नहीं मिलेंगे ना, तो ये 1 और 2 यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है जो, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से एक बार यूपीएससी आई थिंक 2014 या 15 में क्वेश्चन पूछ चुका है, शायद 15 में पूछा था। देखिए, संगठन का उद्देश्य है जो वो प्रकृति और लोगों के लिए साझेदारी है ना, मोटो इसका क्या है, और पार्टनरशिप फॉर नेचर एंड पीपल, सही है ना, ये 120 से अधिक भागीदार संगठनों के साथ संरक्षण संगठनों की दुनिया में सबसे बड़ी साझेदारी है ना, जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनमें अगर कंपेयर करेंगे तो ये एक सबसे बड़ी साझेदारी है, तो ये भी सही है ना, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रामसर पार्टनर्स हैं जो, उसके संगठनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको आपको मैच करना है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का कहाँ है? यूके में है, सही है ना, ये मैच हो जाएगा ए के साथ। आईयूसीएन का स्विट्जरलैंड में है, IWMI का श्रीलंका में है, और वेटलैंड इंटरनेशनल का आपका नीदरलैंड में है ना, तो ये सभी सही मैच है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, रामसर कुछ साइट्स हैं है ना, तो ये कौन से किस किस स्टेट में आपको बताना है, और कौन सी जोड़ी सही है, ठीक है, तो चंद्रताल है आपकी हिमाचल में, सही है, होकेसर है जो वो जम्मू कश्मीर में है, और रोपड़ आपकी पंजाब में है ना, तो ये दोनों गलत, ओनली वन यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो शार्क में का हिस्सा है, ठीक है, तो शार्क में आपका चाइना और म्यांमार, ठीक है, ये याद रखना है बस, शार्क में ये दोनों नहीं है, बाकी अपने जितने भी इंडिया के एडजॉइनिंग है वो सब है, तो श्रीलंका नेपाल इसमें मिल जाएंगे, 3 और 4 सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ओपेक का हेडक्वार्टर है आपका वियना में, सही है ना, SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शंघाई में, ये गलत है क्योंकि बीजिंग में है, ठीक, और आपका GCC यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इसका कहाँ पर है? रियाद में, ये भी सही है ना, तो 1 और 3 बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 368 को जो संशोधन करने की शक्ति है उसमें आपके फंडामेंटल राइट का जो पार्ट 3 है उसकी शक्ति भी, मतलब उसको चेंज करने की शक्ति भी उसमें इंक्लूड है, तो ये कहा गया था आपका AK गोपालन के मामले में, शंकरी प्रसाद बेरुबारी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो कहा गया था शंकरी प्रसाद के मामले में कि
पार्लियामेंट की जो आर्टिकल 368 को अमेंड करने की पावर है वो इंक्लूड करती है किसको, पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट को, अमेंड करने की शक्ति को भी इंक्लूड करती है। ठीक है, तो आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विशाखा केस है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है, मतलब ये जो विमेन एट वर्क सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता है वो विशाखा केस से संबंधित है, सही है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक नए गाइडलाइंस नहीं बन जाते तब तक जो विशाखा गाइडलाइंस है उन्हीं को लॉ की तरह माना जाएगा, तो ये भी सही है ना, दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुट्टा स्वामी मामला है जो वो किससे संबंधित है, राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इसी मामले में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया था, तो ये भी सही है ना, दोनों ही सही, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जो वो आरपीए 1951 में चुनावी मामलों से संबंधित है, आम चुनाव की अधिसूचना सही है, चुनाव का संचालन और चुनाव को लेकर विवाद है ना, डिस्प्यूट्स कंडक्ट और नोटिफिकेशन, तीनों आरपीए 1951 में दिया गया है, ठीक, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है, मतलब इनमें से कौन से अनुच्छेद हैं जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में, मतलब कोई एक जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें रीएडजस्टमेंट और डिवीजन से संबंधित है, पुनर्समायोजन और विभाजन से संबंधित है, ठीक है, तो 82 और 170 ये दोनों से संबंधित है, ये आपका 326 है जो वो उससे संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है, ये इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक, 18 साल से ऊपर वाला मामला, ये उससे संबंधित है, तो पहला और दूसरा ए आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, लोहा है जो हेमाटाइट से प्राप्त होता है, सही है, और एल्युमिनियम बनाने के लिए जो मैग्नेटाइट नामक मुख्य खनिज, तो ये गलत हो गया क्योंकि बॉक्साइट होता है इसका मुख्य खनिज जिससे एल्युमिनियम बनता है ना, तो पहला वाला सही दूसरा गलत, आंसर ए। अगला ले लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है, आयरन करता है जल के साथ अभिक्रिया, एल्युमिनियम भी करता है, लेकिन लेड है जो वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है ना, तो आंसर 1 और 3। अगला देखिए, अनुवांशिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में भौतिक रूप से जो जीन होते हैं उनको एक जीन से निकाल कर दूसरे में इंसर्ट कर देते हैं, बिल्कुल सही है ना, इसमें क्या मेटिंग की आवश्यकता प्रबल होती है, ये गलत है क्योंकि मेटिंग की आवश्यकता तो दूर करता है ये, है ना, तो दूसरा गलत पहला सही, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, समरूपा गरिमा और महिमा ये सब क्या है, तो भेड़ है, बकरी है, भैंस है या ऊंटनी है, तो ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड आपकी भैंस है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसमें। और समरूपा है जो ये किसने बनाया था, ये आपको याद रखना है कि NDRI करनाल के जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल है जो उसके जो वैज्ञानिक है उन्होंने 2009 में भैंस के प्रथम क्लोन जिसका नाम था समरूपा, ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा दूसरे नंबर पर बनी आपकी गरिमा, ठीक है, इसको विकसित किया था। फिर 2013 में क्या हुआ था कि गरिमा 2 ने महिमा को जन्म दिया था जो कि एक मादा थी, ठीक है, मादा बच्चे को जन्म दिया था इसने, तो ये तीनों ही जेनेटिकली मॉडिफाइड भैंसे हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु है जो जीवाणुओं का समूह है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा पौधों के साथ सिम्बायटिक रिलेशन मतलब सहजीविता दर्शाता है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नील हरित शैवाल या फिर एचोला, तो उसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। अब करंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ICC वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, गलत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया है, उन्होंने हराया है इंग्लैंड को, ठीक है। दूसरा देखिए, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 18 जून से लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, ठीक, सत्य वाला बताना था, बी सही है, पहला गलत है, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पहलवान ने रोम इटली में आयोजित मेटियो पेलिकोन रैंकिंग श्रृंखला में आपका स्वर्ण पदक जीता, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, विनेश फोगाट या फिर योगेश्वर दत्त, तो ये जीता है बजरंग पुनिया, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार के, भारतीय रेलवे में ने पश्चिमी रेलवे क्षेत्र ने एक मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार MTRC फुल फॉर्म क्या है इसकी, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली लॉन्च की, सही है, और ये ट्रेन चालक दल और नियंत्रण केंद्र और स्टेशन मास्टर के बीच सीधे और निरंतर संचार की एक सुविधा है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा।
अगला देखिए टेक भारत 2021 से रिलेटेड कुछ कथन है। ये प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करेगा, सही स्टेटमेंट है। और हाल ही में जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है उसको किसने इनॉग्रेट किया है? डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ये गलत हो गया क्योंकि वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, हर्षवर्धन। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका ओनली वन, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध कवि एक लक्ष्मी नारायण भट्ट, ये अभी इनका निधन हो गया। और वे क्या थे? कन्नड़ कवि थे, तेलुगु थे, तमिल थे या उर्दू कवि थे? तो वे थे कन्नड़ कवि, है ना, आंसर ए। अगला देखिए, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की है, उसमें कितने सदस्य हैं? 159, 259, 359 या 250? तो उसमें है आपके 259 सदस्य, मेंबर्स। ठीक, आंसर बी। अगला देखिए, 2021 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का जो विषय है वो क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सही है। और NEP 2020 है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस मौजूदा शिक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव को प्रस्ताव करता है। ठीक, ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है, सत्य वाला इसमें बताना था, सी आंसर। अगला देखिए, EPFO ने अभी 2020-21 में अपनी ब्याज रज क्या रखी है? अनचेंज्ड है ना, कोई चेंज नहीं किया उसमें उन्होंने, 8.5 ही थी पहले भी और अभी भी इन्होंने 8.5 भी रखी है। ठीक, आंसर ए। 8 मार्च 2021 क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, इसके अवसर पर किसने एक नया वेब पोर्टल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है वीमेन विल? ठीक है, वो किसने किया है? गूगल ने किया है, फेसबुक ने, अमेजोन ने या माइक्रोसॉफ्ट ने? वो किया है गूगल ने, आंसर ए। और आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, GR चिंतला, इन्होंने ये क्या है? APRACA यानी कि एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन का के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे, सही है। और ये है जो, ये 1977 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अब आप पॉज कीजिए वीडियो को और अपने स्कोर को चेक करके कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि क्या स्कोर रहा आपका। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।